तकबीरात तशरीक किस पर वाजिब है? तकबीरात तशरीक गांव में रहने वालों पर भी वाजिब, शहर में रहने वालों पर भी वाजिब, और मर्द पर भी, औरत पर भी, हर आकिल बालिग पर वाजिब है। मर्द ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। तो तकबीरात तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये एक दफ़ा पढ़ी जाएगी तकबीर। ख़वातीन यादाश के तौर पर अपनी जाय नमाज के करीब कोई पर्ची वर्ची रख लें, क्योंकि ख़वातीन भूल जाती हैं। मर्दों में तो ये होता है किसी एक ने भी ऊंची आवाज़ से पढ़ी सबको याद आ जाता है। ख़वातीन के लिए चूंकि आहिस्ता आवाज़ से, तो उनको याद दिलाने वाला कोई नहीं होता, तो गुनाह मिलता है। ये तकबीरात पढ़ना वाजिब है। नौ ज़िलहिज्जा की फजर, यानी बकराईद से एक दिन पहले फजर की नमाज से ये शुरू होंगी, और फिर 13 ज़िलहिज्जा यानी बकराईद के 3 दिन, उसके अलावा एक और दिन उसमें असर की जो नमाज होगी वो आखिरी तकबीर उसमें कही जाएगी, मगरिब में नहीं कही जाएगी। तो 13 ज़िलहिज्जा की असर तक, 9 ज़िलहिज्जा की फजर से शुरू की जाएगी। तो ये तकबीरात तशरीक हैं। जो कुर्बानी कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे वो भी, सब पर लाजिम है।